नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी कुमारी और आप सब देख रहे हैं ACC न्यूज़ टुडे। बापू महात्मा गांधी, गांधी जी यानी मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उन्होंने पूरा जीवन लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। अंग्रेज़ों को भी उनके सामने झुकना पड़ा। देश आज़ाद हो चुका था, भारत के लोग खुश थे, देश में लोकतंत्र का परचम लहराने लगा था। लेकिन ये खुशी उस वक्त राष्ट्र शोक में बदल गई जब 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिरला भवन में गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हम आपको विस्तार से बता रहे हैं वो पूरा घटनाक्रम जो भारत के इतिहास में एक दुखद अध्याय बनकर रह गया। 30 जनवरी 1948 का दिन था। गांधी जी ने सरदार पटेल को बातचीत के लिए शाम 4 बजे मिलने को बुलाया था। पटेल अपनी बेटी मनी बहन के साथ तय समय पर गांधी जी से मिलने के लिए पहुँच गए थे। बिरला भवन में हर शाम 5 बजे प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता था। इस सभा में गांधी जी जब भी दिल्ली में होते तो शामिल होना नहीं भूलते थे। शाम के 5 बज चुके थे। गांधी जी सरदार पटेल के साथ बैठक में व्यस्त थे। तभी अचानक 5:15 बजे गांधी जी की नज़र घड़ी पर पड़ गई और उन्हें याद आया कि प्रार्थना के लिए वक्त निकलता जा रहा है। बैठक समाप्त कर बापू जी आभा और मनु के कंधे पर हाथ रखकर प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए मंच की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक उनके सामने नाथुराम विनायक गौडसे आ गया। गौडसे ने अपने सामने गांधी जी को देखकर हाथ जोड़ लिया और अचानक गौडसे ने मनु को धक्का दे दिया। अपने हाथों में छुपा रखी छोटी बेरेटा पिस्टल गांधी जी के सामने तान दी और देखते ही देखते गांधी जी के सीने पर एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। 2 गोलियां बापू के शरीर से होती हुई बाहर निकल गई, जबकि 1 गोली उनके शरीर में ही फंस कर रह गई और गांधी जी वहीं पर गिर पड़े। गांधी जी की हत्या के बाद नाथुराम ने अपने बयान में स्वीकारा था कि गांधी की हत्या केवल हमने की है। नाथुराम ने बाद में दूसरे आरोपी के तौर पर अपने छोटे भाई गोपाल गौडसे का नाम लिया था। गौडसे ने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा था, शुक्रवार की शाम 4:50 बजे बिरला भवन के गेट पर पहुँच गया। मैं 4-5 लोगों के झुंड के बीच में घुसकर सिक्योरिटी को झांसा देते हुए अंदर जाने में सफल रहा। मैंने भीड़ में अपने आप को छिपाए रखा ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। गिरफ्तारी के बाद नाथुराम गौडसे ने कहा, जब हमने एक के बाद एक 3 गोलियां गांधी जी पर चला दी तो गांधी जी के आसपास खड़े लोग दूर भाग गए। मैंने सरेंडर करने के लिए दोनों हाथ भी ऊपर कर दिए। उसके बाद कोई हिम्मत करके मेरे पास नहीं आ रहा था। पुलिस वाले भी दूर से ही देख रहे थे। मैं खुद पुलिस चिल्लाया। करीब 5-6 मिनट के बाद एक व्यक्ति मेरे पास आया। उसके बाद मेरे सामने भीड़ जमा हो गई और मेरी जमकर पिटाई की गई। महात्मा गांधी की हत्या की खबर चंद मिनटों में आग की तरह फैल गई। बिरला हाउस में ही गांधी के पार्थिव शरीर को ढककर रखा गया था। तभी वहां उनके सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी पहुंच गए और उन्होंने बापू के पार्थिव शरीर से कपड़े को हटा दिया। उनका कहना था कि अहिंसा के पुजारी के साथ हिंसा को दुनिया देखे। बापू की हत्या की FIR भी उसी दिन यानी 30 जनवरी को दिल्ली के तुगलक रोड थाने में दर्ज की गई। FIR की कॉपी उर्दू में लिखी गई थी, जिसमें पूरी वारदात के बारे में बताया गया था। दिल्ली के तुगलक रोड के रिकॉर्ड रूम में आज भी वो FIR के पन्ने संभाल कर रखे गए हैं। गांधी जी की हत्या के बाद इस मुकदमे में नाथुराम गौडसे समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से दिगंबर बर्गे को सरकारी गवाह बनने के कारण बरी कर दिया गया। वहीं शंकर किस्तिया को उच्च न्यायालय से माफ़ी मिल गई, जबकि वीर सावरकर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने की वजह से बरी कर दिया गया। बाकी बचे 5 अभियुक्तों में से गोपाल गौडसे, मदन लाल पावा और विष्णु रामकृष्ण करकड़े को आजीवन कारावास हुआ था, जबकि नाथुराम गौडसे और नारायण आपटे को 15 नवंबर 1949 को फांसी पर लटका दिया गया। गांधी जी के मृत्यु के बाद भी हिंदुस्तान ने उनके मूल्यों और सिद्धांतों को खुद में समा के रखा है। हालांकि गांधी जी के पुण्यतिथि के दिन ट्विटर पर पिछले 2 सालों से नाथुराम अमर रहे व नाथुराम जिंदाबाद जैसे #ट्रेंड करते नजर आते हैं, जो हिंदुस्तान वासियों के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है।